हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 4th, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नया टॉपिक, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इससे पहले हम अभी तक कार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं, एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने उसके IUPAC नेमिंग कर ली है। तो अगर अभी तक आप लोगों से इस चैप्टर के अभी तक जितने वीडियो बन चुके हैं वो आपसे मिस हो चुकी हैं, तो आई विल सजेस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि जो कार्बन है वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ जब मिलता है और कंपाउंड बनाता है तो उसे हम बोलेंगे कार्बन कंपाउंड। तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कि व्हाइल कंबाइनिंग क्या क्या हमें उसको देखने को मिलता है। तो देयर आर बेसिकली 4 केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, कंबशन। नंबर 2, सब्स्टिट्यूशन। नंबर 3, एडिशन। एंड नंबर 4, ऑक्सीडेशन। ठीक है, नाम से ही हर प्रॉपर्टी अपने अपने बारे में कुछ ना कुछ बता रही है। ठीक है, तो इन सभी प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, दोबारा से एक बार बताना चाहती हूँ कि कार्बन के पास कितनी वैलेंसीज होती हैं। 4 वैलेंसीज होती हैं। कार्बन 4 और चीजों के साथ अटैच हो सकता है, ना वो इलेक्ट्रॉन लेता है, ना इलेक्ट्रॉन देता है, ना कैटायन बनाता है, ना एनायन करता बनाता है, दूसरों के साथ शेयरिंग करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं हम कंबशन। तो कंबशन क्या होता है? कंबशन एक एक्ट है जिसमें एक सब्सटेंस बर्न हो रहा होता है, और आपको पता है कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई सब्सटेंस क्या हो सकता है? बर्न हो सकता है। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो कार्बन है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हमने पढ़े हैं, यानी कि वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बने होते हैं, उस पर उसके पास सिर्फ कार्बन है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है तो क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रिलीज क्या करती है? बहुत सारी हीट एंड लाइट, एंड बेसिकली दिस रिएक्शन इज कंबशन। ठीक है, और कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं हीट एंड लाइट। तो यानी कि कंबशन जब भी हो रही होती है उसका मतलब कि कोई सब्सटेंस बर्न हो रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। और इसका मेन एग्जाम्पल क्या है कि जो फ्यूल्स होते हैं वो बर्न करते हैं, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, विच आर मेड अप ऑफ कार्बन। वो जब हम उनको बर्न करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सिमिलरली इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन। ठीक है, दैट इज CH4। जब ये बर्न होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तब क्या होता है? ये अगेन कार्बन डाइऑक्साइड देती है। ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर वाटर रिलीज है। एक तरीके से ये भी गैशियस फॉर्म में निकलता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं निकलता, ये भी गैशियस फॉर्म है, ये तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट अगेन क्या आता है? हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो दिस इज द बर्निंग ऑफ कार्बन एलोट्रॉप, यानी कि कोई भी कार्बन का एलोट्रॉप अगर बर्न होता है तो ये रिएक्शन, और अगर नेचुरल गैस बर्न हो रही है तो ये रिएक्शन है। ठीक है, सो दिस इज कंबशन, दिस इज कंबशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कार्बन के कंपाउंड्स ही बर्न हो रहे हैं। ठीक है, और कंपाउंड्स जो है ना कार्बन के, वो 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं? 1 इज सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनदर इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, है ना। तो सैचुरेटेड कौन से होते थे? सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, अनसैचुरेटेड कौन से होते थे? जिसमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है, और सैचुरेटेड क्या है? सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को बर्न कर रहे होते हैं तो ब्लूइश, क्लियर ब्लूइश फ्लेम आती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा जब घर में हम
गैस ऑन करते हैं, दैट इज़ एलपीजी, और एलपीजी होती है वो सैचुरेटेड कार्बन होती है, उसको जब हम बर्न करते हैं जैसे जलाते हैं तो वो ब्लूइश फ्लेम की होती है, राइट। तो ऐसे ही अगर अल्कोहल जलेगी वो भी क्या होगी, एक तरीके से ब्लूइश फ्लेम की होगी, वो भी क्या होती है, सैचुरेटेड होती है, ठीक है। अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो जो फ्लेम देते हैं ना वो येलो एंड सूटी फ्लेम देते हैं, येलो सूटी फ्लेम, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, तो पहली बात तो ब्लूइश फ्लेम की किस में आ रही है, सैचुरेटेड में आ रही है। अनसैचुरेटेड में क्या आ रही है, येलो एंड सूटी फ्लेम आ रही है। तो अनसैचुरेटेड में येलो सूटी का क्या मतलब है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे कार्बन की जो परसेंटेज है वो हाई है। अनसैचुरेटेड में जो कार्बन होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से येलो एंड सूटी फ्लेम आती है। यहाँ पे ब्लूइश ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अब एक और बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लूइश फ्लेम वहां आएगी, इसी से ही हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ब्लूइश फ्लेम वहां ज्यादा आएगी जहां ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, और येलो फ्लेम वहां आएगी जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम होगी। इसका एग्जांपल ये भी देख सकते हैं कि जैसे ही हम अगर कई बार हम देखते हैं कि हमने गैस के ऊपर कोई बर्तन रखा हुआ है, ठीक है, अगर येलो जो बिल्कुल ब्लूइश फ्लेम हो रही होती है तो हमारे बर्तन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, लेकिन कभी कोई ऐसा टाइम आता है कि हमारे जो बर्तन होते हैं उनका जो नीचे का बॉटम होता है वो वेसल का जो बॉटम होता है वो ब्लैक होने लग जाता है, और वो ब्लैकिश हमें तब दिखाई देती है जब हम देखते हैं कि जो हमारा बर्नर है ना वो येलो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है। उसका क्या मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ जो है वो कुछ फंस गया है, उसके जो एयर होल्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम कह सकते हैं लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से येलो फ्लेम आती है। येलो फ्लेम जो होती है वो क्या प्रोड्यूस कर देती है, हमारे वेसल्स को क्या कर देती है, उसका बॉटम ब्लैक कर देती है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, कंबशन, जिसके अंदर से जिसमें हम जिस चीज़ को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। यहाँ मेनली हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के दो थे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को अगर हम बर्न करते हैं तो ब्लूइश फ्लेम आती है, अनसैचुरेटेड को बर्न करते हैं तो येलो सूटी फ्लेम आती है। ब्लूइश फ्लेम हमें तब भी दिखाई देती है जब ऑक्सीजन रिच, जब वहाँ पर बर्निंग हो रही होती है, और येलो फ्लेम हमें वहाँ पर भी दिखाई देती है जहाँ पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो ये तो था आपका फर्स्ट वन। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन आ गया आपके पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एज नेम इंडिकेट्स, किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट फाइंड करना, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपकी क्लास में आज साइंस के टीचर नहीं आते हैं तो आपको किसी और क्लास के टीचर जो हैं वो आज वो आपको टीच करेंगे साइंस, तो यानी कि साइंस टीचर का आज हमने सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, ठीक है। यानी कि एक चीज़ को हम रिप्लेस करके जब दूसरी चीज़, इक्विवेलेंट चीज़ अगर हम वहाँ पर प्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और साइंस में क्या होता है, अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर एन एटम या फंक्शनल ग्रुप, एक मॉलिक्यूल का, उसको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बाय अनदर इक्विवेलेंट एटम, यानी कि एटम को एटम से रिप्लेस कर दिया हमने किसी और किसी और फंक्शनल ग्रुप को किसी और फंक्शनल ग्रुप से अगर हमने रिप्लेस कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपकी सिलेबस के अंदर फंक्शनल ग्रुप की प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ये थोड़े हायर स्टैंडर्ड्स में आती है। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक एटम को हटा के दूसरा एटम जब हम लगा देते हैं, सिर्फ उतना ही आपके सिलेबस में है। जैसे कि मान लो CH4 है, ठीक है, यानी कि कार्बन के पास चार हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, क्लोरीन ऐड करवाती हूँ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक H जो है वो हट जाएगा और वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक Cl आ जाएगा, यानी कि CH3 हो जाएगा, लेकिन अभी भी कार्बन को अपनी चार वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो एक Cl आ जाएगा। अब अगर देखें तो अब एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, स्टिल कार्बन की चार वैलेंसी पूरी है, प्लस क्या बच जाएगा यहाँ पे, एक एच ये और एक सी एल ये, क्या बन गया, एच सी एल अलग हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन। दिस इज मीथेन या नेचुरल गैस,
जिसमें क्लोरीन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें मिल गया क्लोरोमीथेन। इनकी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहां पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तो ये क्लोरीन क्या है, हेलोजन है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम हेलोजिनेशन कहते हैं। हेलोजन्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है, जिनकी नेगेटिव वन वैलेंसी है। तो जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, राइट। तो यानी कि यहाँ पे क्लोरीन की बजाय ये भी हो सकते थे। अब ये तो हो गई पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन में क्या है, अब हमारे पास ये चीज बन चुकी है। अगर मैं इसको उठा लेती हूँ और यहाँ और अब दोबारा से क्लोरीन ऐड कराती हूँ अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अब फिर से क्या होगा, एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा और एक और क्लोरीन ऐड हो जाएगा टू मेक द वैलेंसी ऑफ कार्बन अगेन फोर। तो फोर ही उसकी वैलेंसी रहेगी। एक और एच निकल गया तो एच टू हो गए और एक यहाँ पर सी एल और ऐड हो गया तो यहाँ हो गया सी एल टू। तो अगेन क्या बच गया, यहाँ पे एक एच और यहाँ पे एक सी एल, तो ये हो गया एच सी एल। अब इसका नाम क्या होता है, डाई क्लोरोमिथेन। अब दो क्लोरीन आ गई है ना, तो दिस इज डाई क्लोरोमिथेन, ठीक है। अब दोबारा से हम इसको उठा लेंगे और इसमें फिर से हम क्लोरीन ऐड करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब फिर से एक एच हट जाएगा और एक सी एल ऐड हो जाएगा और एक और एच सी एल निकल जाएगा। अब हम इसको क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे ट्राई क्लोरोमिथेन। एंड एक और इसका नाम होता है बहुत फेमस जो आपको पता होगा, दैट इज क्लोरोफॉर्म। दिस इज क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब अगर मैं इस क्लोरोफॉर्म को फिर से उठाती हूँ और फिर से क्लोरीन ऐड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अब क्या बनेगा, CCl4 प्लस HCl। अब क्या होगा, एक और एच जो बचा हुआ था वो भी निकल जाएगा, सारे के सारे जो एच थे वो हमने सारे के सारे Cl से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। दिस सिंगल इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस सिंगल इज अ सब्स्टिट्यूशन। चारों के चारों सिंगल रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन मैंने आपको एक एक चारों के चारों स्टेप्स में मैंने आपको पूरा का पूरा हटा के पूरा का पूरा दिखाया है। इसे हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि कार्बन है और साथ में चार क्लोरीन है, टेट्रा मीन्स चार, चार क्लोरीन है। तो यानी कि इसमें हमने क्या देखा कि हर रिएक्शन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा था बाय वन क्लोरीन, तो इसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड स्पेशली हम हेलोजन को करवा रहे थे तो दिस इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। और अब क्वेश्चन आता है आपके पास कि ये रिएक्शन फ्रिक्वेंटली सैचुरेटेड वाले करते हैं या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड करते हैं। तो जो सैचुरेटेड होते हैं ना, वो जो होते हैं वो क्वाइट अनरिएक्टिव होते हैं, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, तो वो काफ़ी अनरिएक्टिव होते हैं। तो इसी वजह से उनकी एक ही मेन करेक्टरिस्टिक होती है कि उसमें से एक एक एटम को हम हटाते रहते हैं, दूसरा एटम हम ऐड कराते रहते हैं, सो दैट हमारे पास न्यू केमिकल्स बनते रहे और जो जो हमें उनको यूज़ करना है हम उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करते रहे। तो मेनली ये फ्रिक्वेंटली रिएक्शन शो होती है बाय सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, राइट। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब थर्ड आती है आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन रिएक्शन। नाउ थर्ड वन इज एडिशन रिएक्शन। अब काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा कि मैम सेम ही तो हुआ, यहाँ पे भी तो हमने क्लोरीन को ऐड करवाया है, ये भी तो एडिशन रिएक्शन सेम हुई। बट नहीं, यहाँ पर बहुत मेजर डिफरेंस क्या है कि यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट करा है, यानी कि चार इसकी वैलेंसी थी तो हमने चार ही रखी है, एक को रिप्लेस कर दिया दूसरे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे एडिशन रिएक्शन। अब आपको पता है अगर मैं ये उठाती हूँ, यही उठाती हूँ, इसी में अगर एडिशन करने की कोशिश करूँ, कार्बन के पास तो चार ही वैलेंसी है और ऐड नहीं हो सकते, राइट, नहीं हो सकते। यानी कि एडिशन रिएक्शन का यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया कि एडिशन रिएक्शन आपकी सैचुरेटेड नहीं करवाते हैं। दो टाइप के होते हैं ना, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले एडिशन रिएक्शन नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास और ऐड करवाने के लिए है ही नहीं कुछ,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लो जैसे CH4 है, अब इसके पास ऑलरेडी 4 हैं तो और ऐड नहीं हो सकते, लेकिन अगर मैं इसके जगह पर जैसे कि इथेन यूज़ कर लेते हैं, हम इथेन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इथेन क्या होता है आपके पास, C2H4 होता है ना, तो यानी कि C डबल बॉन्ड C और दोनों के बीच में ये होता है, एंड यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होते हैं और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं एडिशन करा सकती हूँ, कैसे करा सकती हूँ, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर भी तो इसकी भी तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है, इसकी भी तो 4 कार्बन की 4 वैलेंसी हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है, लेकिन अगर मैं इनकी एक बॉन्ड तोड़ दूँ, बीच में से एक बॉन्ड तोड़ दूँ, ठीक है, अब क्या हो गया, इसके पास भी एक फ्री हो गई, अब इसके पास भी एक फ्री हो गई, इनकी अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। तो ऐसे जब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बॉन्ड्स तोड़ेंगे और उन बॉन्ड्स की जगह पे हम कोई और एटम्स ऐड कर देंगे, देन हम उसे क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन कहेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, फिर एडिशन शुरू करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हम एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम ऐड करते हैं एक मॉलिक्यूल में, सच दैट वो क्या बन जाए, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाए। जैसे कि हम उठाते हैं इथीन, तो अगेन इथीन क्या रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका इथीन। और आपको पता ही है कि जो एडिशन रिएक्शन है ये कौन शो करते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स ये रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड के पास तो जगह ही नहीं है ऐड करने की, ठीक है। तो इथीन में हम क्या ऐड करवाते हैं, हाइड्रोजन। अब ये अपने आप ही नहीं ऐड हो जाता कि हाँ हमने डाल दिया और हो गया, नहीं, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एक कैटलिस्ट, दैट इज निकल, और एक कंडीशन होती है कि हम 473 केल्विन टेम्परेचर पर निकल के प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं तभी ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं इनकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, ऐसे नहीं हमने कुछ भी कैसे भी मिक्स कर दिया, राइट। तो अब जब ये रिएक्शन होगी तो 2 हाइड्रोजन करवाएं तो एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, और इतने टेम्परेचर का मतलब क्या है, ताकि इनकी बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, और वो बॉन्ड कौन ले ले, हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा, CH3, और एक बॉन्ड टूट जाएगी, तो इथीन से वो क्या बन गया, इथेन बन गया, ठीक है। सिमिलरली अगर सैचुरेटेड सिर्फ डबल तो नहीं होते, सॉरी अनसैचुरेटेड सिर्फ डबल तो नहीं होते, ट्रिपल भी होते हैं, तो ट्रिपल में क्या होगा, अगर इथाइन होता तो क्या होता, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये होता आपका इथाइन। तो अगर मैं इसके अंदर सबसे पहले हाइड्रोजन ऐड करवाती अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, अगेन एट 273 केल्विन, तो वो क्या बनता, पहले तो वो इथीन बनता, एक डबल बॉन्ड टूटती और वो क्या बनाती, इथीन बनाती, ठीक है। अब फिर हम उस इथीन में फिर से हम हाइड्रोजन ऐड करवाते अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, अगेन एट 473 केल्विन, और अब क्या बनता वो, इथेन, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में एक बॉन्ड तोड़कर हाइड्रोजन ऐड कराई, फिर दूसरे स्टेप में फिर एक बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन। अब इसके पास और कैपेसिटी नहीं है, तो इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी होती है एडिशन रिएक्शन की, वो सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड शो करते हैं। इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है कि जो आप लोगों के घर में मस्टर्ड ऑयल होते हैं, कोकोनट ऑयल होते हैं, ग्राउंडनट ऑयल होते हैं, जो खाने में ऑयल जो यूज़ होते हैं, ठीक है, खाना बनाते हुए जो ऑयल यूज़ होते हैं, वो जो ऑयल होते हैं वो होते हैं आपके अनसैचुरेटेड, यानी कि ऑयल जो है वो क्या है, आपके अनसैचुरेटेड है, यानी कि उसके अंदर डबल बॉन्ड पड़ी हुई है, ठीक है। जब उसके हम एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन कैसे करेंगे, अगेन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, एट अगेन टेम्परेचर पे, तो ये जो ऑयल होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं घी के अंदर और ये क्या बन जाते हैं, सैचुरेटेड, ठीक है। तो ऑयल कन्वर्ट हो जाता है घी में, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बन जाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अब हाँ एक चीज़ और, ये घी आपका वो देसी घी नहीं है जो हाँ मदर बोलती हैं कि खाना चाहिए खाओ, ये वो वाला घी नहीं है, ये वो घी है जो वनस्पति घी होते हैं, जो डालडा घी होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, ये बेटर है आपकी हेल्थ के लिए या ये बेटर है, एक हिंट देती हूँ,
वो जरूर दूंगी मैं, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना पड़ेगा कि आपको अपने खाने में ये ऑयल यूज करना चाहिए या ये वाला घी यूज करना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको हिंट दे रही हूँ, देखो एक तरीके से दिस इज अ फैट, दिस इज ऑल्सो अ फैट, बट दिस इज अनसैचुरेटेड फैट, बट दिस इज सैचुरेटेड फैट, यानी कि ये आपकी बॉडी में सैचुरेट नहीं होगी, घुलेगी नहीं, बट ये आपकी बॉडी में घुल जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। नाउ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो कि आपकी हेल्थ के लिए दिस अनसैचुरेटेड ऑयल इज बेस्ट और दिस सैचुरेटेड वनस्पति घी इज बेस्ट, राइट। तो ये थी आपकी थर्ड एडिशन रिएक्शन जो एक करेक्टरिस्टिक है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की, क्लियर है। तो अब हम फोर्थ की बात करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखी है, क्या होती है ऑक्सीडेशन, सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन मतलब कहीं ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एक तो ये, और एक बहुत बेसिक वन कि कहीं से अगर हाइड्रोजन हट रही है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर कहीं से हाइड्रोजन हट रही है दैट मीन्स इट इज मेकिंग स्पेस फॉर ऑक्सीजन, तो यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमारा मेन काम क्या है, यहाँ पर मेन काम ये होता है कि जैसे कि मान लो कोई भी अल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल हमने ग्रुप्स पढ़ रखे हैं, फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, एल्कोहल में अगर हम ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कैटलिस्ट यहाँ पे क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होंगे ना जो ऑक्सीजन देते होंगे, ठीक है। तो कैटलिस्ट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, यानी कि जो अपने में से ऑक्सीजन दे, उनके पास ऑलरेडी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन बांट रहे हैं। तो अल्कोहल को अगर हम और ऑक्सीजन देंगे तो ये कौन से ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट अल्कोहल इंटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैसे, तो इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फेमस अल्कोहल उठाते हैं, दैट इज इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूलाज बनाने सिखा रखे हैं, आईयूपीएससी भी सिखा रखी है, इथ मतलब कि टू कार्बन्स, ऑल मतलब कि अल्कोहल ग्रुप दैट इज ओएच, एन मतलब कि सिंगल बॉन्ड है और बाकी सबके एच एच कंप्लीट कर दो, तो ये बन गया आपका इथेनॉल। जब इसके अंदर मैं ऑक्सीजन ऐड करवाऊंगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट की बात करते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास कैटलिस्ट में। तो सबसे पहले ऑप्शन है आपके पास एल्केलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका एक फॉर्मूला होता है KMnO4, या तो एल्केलाइन यानी कि बेसिक KMnO4 यूज करो, या एसिडिक KMnO4 यूज करो, ठीक है, या फिर एसिडिक, यानी कि एसिडिक इसका मतलब क्या है कि इनका ये वो है, नेचर है, तो या तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करो, दैट इज K2Cr2O7, इधर यूज दिस और दिस और दिस, ये सारे के सारे और भी हैं हमारे पास, जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होती है, मैं लिख देती हूँ, वो भी एसिडिफाइड होती है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होती है, ये ओजोन होती है, तो ये सारे के सारे आप एज कैटलिस्ट यूज कर सकते हो, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करते हैं, और ये अब एल्कोहल कन्वर्ट होगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अब अल्कोहल का कौन सा है, इथ पड़ा हुआ है, इनका काम सिर्फ ऑक्सीजन देना है, यानी कि एक और ओ ऐड कर देंगे यहाँ पे ये, तो अब एक और ओ और ऐड हो जाएगा, तो यानी कि इथेनॉल से वो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, याद करिए, दिस इज इथ मतलब कि टू कार्बन्स, ठीक है, ओइक एसिड मतलब कि ओ ओ एच, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उसके एच कंप्लीट हो जाएंगे, एंड दिस इज ऑलरेडी कंप्लीट वन, जब इसको ओपन करके लिखते हैं तो क्या बनता है, एच एच, और ये कैसे लिखते हैं, सी डबल सी ओ ओ एच को कैसे लिखते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच,
ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मूला एंड दिस इज इथेनोइक एसिड। ऐसे ही प्रोपेनॉल को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही किसी भी अल्कोहल को आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वो कैसे होते हैं? बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो है ये वाले एजेंट्स, यानी कि ये होंगे, इनके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन बड़ी सारी पड़ी हुई है, तो ये ऑक्सीजन अपनी बांटते रहते हैं, ये लो ले जाओ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन देते हैं, तो ये इनके पास ऑक्सीजन रिच हो जाते हैं, जैसे ही ऑक्सीजन रिच होते हैं तो इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मैंने आपको बोला कैसे हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड आ सकता है, राइट। वन मोर थिंग, जो हमने पहला रिएजेंट यूज किया है, ठीक है, एल्केलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, ये जो हमने पोटेशियम पर मैग्नेट हमने यूज किया है, इसे हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। तो कई कबार आपके पास आता है कि बेयर्स रिएजेंट टेस्ट करके बताओ कि ये कैसा सब्सटेंस है, ठीक है, तो ये होता है बेयर्स रिएजेंट। अगर इसको अगर हम किसी सब्सटेंस के अंदर डालते हैं और चेक करते हैं कि कैसा कलर आता है, ठीक है, तो अगर आपका कलर, अगर हम किसी भी सब्सटेंस में इसको डालते हैं और अगर वो कलर कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ये खुद पिंक कलर का है, तो जैसे ही वो डालेंगे उसका पिंक कलर उड़ जाए और डीकलराइज हो जाए, तो वो जो कंपाउंड होता है वो आपका या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि कौन सा कंपाउंड होगा आपका, अनसैचुरेटेड होगा। और अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है तो यानी कि उसका कंपाउंड क्या होगा, वो होगा सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, तो उसे हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। और ये टेस्ट जब करते हैं दैट इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। तो ये था आपकी नॉलेज के लिए कुछ एडिशन था। तो ये थी आपके पास फोर रिएक्शंस, फोर केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट इस इन्हीं दोनों के बारे में, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इन दोनों की ही फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन ये टेस्ट करता है कौन नहीं करता है, इनको कंपेयर भी करेंगे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।